राकेश टिकैत जी जाट है और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आते हैं आजकल। तो राकेश टिकैत जी हो सकते हैं, हम थोड़ा ही भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। सच्चे सिपाही है बिल्कुल। तो आगे का क्या रुख है फिर मंगलोर में? बिल्कुल, कमल खिलाएंगे। कमल खिलाएंगे, कितनी कोशिश की जा रही है जमीनी स्तर पर? पूरी 100% कोशिश की जा रही है। आप भी टिकट की रेस में थी कहीं ना कहीं? जी। अब देखिए, जो शीर्ष नेता तो संगठन का जो निर्णय है वो हम स्वीकार है, हम उनके साथ हैं। जो भी प्रत्याशी दिया है हम उनके साथ हैं। पार्टी का जो निर्णय होता है वो सामान्य होता है। पार्टी ऐसा निर्णय क्यों ले रही है कि कांग्रेस के नेता को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है? देखो, पार्टी ने कुछ बेहतर मानना होगा, इसी वजह से तो पार्टी। देसा जी बेहतर नहीं थे? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता वो बेहतर। देसा जी का एक बयान आया था अभी कुछ ही देर पहले कि राजपाल जी धुले हैं, हम बराती है, इससे क्या मतलब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दे दिया वो दूल्हा ही होता है। इस समय हम चुनावी कार्यालय में खड़े हैं मंगलोर विधानसभा के। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश पवार ने आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और तमाम वरिष्ठ नेता संगठन के यहाँ पर है। इन सब से बात करेंगे, तो शुरुआत करते हैं महिला से और डॉक्टर मधु जी से। डॉक्टर मधु जी, देखिए सबसे पहला सवाल, आप भी टिकट की रेस में थी कहीं ना कहीं? जी। अब देखिए, जो शीर्ष नेता तो संगठन का जो निर्णय है वो हम स्वीकार है, हम उनके साथ हैं। जो भी प्रत्याशी दिया है हम उनके साथ हैं। देखिए, खबरें ये भी थी कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर अब तो नामांकन की तारीख गई। मैंने, मेरी तरफ से कभी ये बात नहीं आई कि निर्दलीय या कोई पार्टी। सोशल मीडिया पे खबरें आई थी? नहीं आई, मेरी नहीं आई, किसी और की आई होगी, मुझे दिखा दो। मेरी कोई खबर नहीं आई ऐसी, क्योंकि मैंने आखिरी दम तक पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ और अपने काम के बेस पर मैंने टिकट मांगा था। लेकिन दिया क्यों नहीं पार्टी ने? हो सकता है संगठन में कोई कमी रह गई हो। संगठन में कमी रह गई हो? संगठन में मुझे, संगठन को मेरे अंदर कोई कमी लगी हो कि जिसे प्रत्याशी बनाया उसमें वो खरे उतरे हो, मैं खरी नहीं उतरी, टिकट उन्हें दिया, मुझे वो स्वीकार है। लेकिन मेरी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि तो मैं, आप भाजपा में रहेंगे और हमेशा? भाजपा में ही हूँ। अच्छा। मेरी तरफ से अगर कोई एक शब्द दिखा दे विरोध का तो मैं मान जाऊँ, मैंने कभी विरोध नहीं किया। आज क्या संदेश होगा भाजपा की ओर से आपका? देखिए, हम बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम भरोसा है और विश्वास भी है कि हम जीतेंगे। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी में बीते दिन राजपाल सिंह जी को सदस्यता दे दी। देखिए, एक तरफ वो कांग्रेस के गुण गा रहे थे कल तक, आज भाजपा के गाने लगे, तो ऐसे में तो देखिए भाजपा पे सवाल भी खड़े होते हैं ना, क्योंकि कुछ ही घंटों में टिकट मिला है। ये बात आपकी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि चयन में क्या परिस्थिति आ गई थी। देखिए, टिकट मांगने वालों की कतार लंबी थी पार्टी में। एक बात है, ये आप बिल्कुल सही है कि वहाँ बहुत दावेदार थे, लेकिन देशराज करणवाल जी का टिकट कटा और काफ़ी दिनों से लग रहा था कि शायद ये टिकट की दौड़ से बाहर है। दूसरे प्रत्याशी जो थे, नहीं, उनका बयान है कि उनसे शीर्ष नेताओं की, मदन कौशिक जी से, पुष्कर सिंह धामी से, स्वामी अतीश्वरानंद जी से बात चल रही थी कि वैजयंती माला जी को टिकट दिया जाएगा। फिर आप कैसे कह सकती बाहर थे, उनके परिवार के सदस्य को टिकट दिया जा रहा था? देशराज जी बाहर थे, वैजयंती माला जी को टिकट दिया जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्या परिस्थिति रही होगी जैसा। देखिए, उनका टिकट कटा, उनके समर्थकों ने आरोप लगाया है, उनकी धर्मपत्नी की नौकरी भी चली गई है। उनका टिकट कटा, उसका हमें दुख है, व्यक्तिगत दुख है, क्योंकि एक आदमी थी, मेहनत कर रहा था, दूसरी बात उनका इस्तीफा भी लिया गया, वो कहीं ना कहीं गलत हुआ। लेकिन अब जो संगठन ने निर्णय लिया वो ठीक। अब संगठन क्या कर रहा है, नौकरी वापस देगा उनकी धर्मपत्नी की? शायद को हाँ माने। नहीं, देखो, उनका इस्तीफा लिया गया, अब वो स्वीकार हुआ या नहीं, अगर नहीं स्वीकार, तो कह रहे स्वीकार हुआ है, स्वीकार हुआ, ये नहीं है। हाँ, ये बात हुई थी कि स्वीकार कर लें, क्योंकि वो वहीं बैठ के बात हुई है, अभी ये 100% नहीं है कि स्वीकार हो गया। क्या भाजपा में, क्योंकि हमारा बयान नहीं है, समर्थकों का बयान है भाजपा के ही, कांग्रेसीकरण एक जो शब्द आ गया है पिछले कई दिनों से, कांग्रेसीकरण, ये क्या है, क्या भाजपा कांग्रेसीकरण कर रही है? नहीं, ऐसे तो भाजपा के भी कुछ रुष्ट होकर कांग्रेस में जा रहे हैं, तो पार्टी में चलता है, भाजपा के भी गए हैं कांग्रेस में, तो उनका भी भाजपाकरण हो गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अब आपने कहा भाजपाकरण हो गया, देश राज्य में ऐसी कौन सी कमी आ गई थी उनके कार्यों में कि कांग्रेस से दावेदार को लाकर टिकट दिया? देखिए, ये तो संगठन बता सकते, मैं कमी नहीं बता सकती देश राज्य की, ये तो संगठन बताएगा जिसने ये निर्णय लिया। जी, चलिए अब बात करते हैं जाटों के नेताओं से पुकारे या फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के नाम से पुकारे, किस नाम से आपको पुकारा जाए सर? वो तो आप ही पुकारेंगे, जिससे भी पुकारेंगे, क्योंकि
राकेश टिकैत जी जाट है और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आते हैं आजकल। तो राकेश टिकैत जी हो सकते हैं, हम थोड़ा ही भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। सच्चे सिपाही है बिल्कुल। तो आगे का क्या रुख है फिर मंगलोर में? बिल्कुल कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे। कितनी कोशिश की जा रही है जमीनी स्तर पर? पूरी 100% कोशिश की जा रही है। ग्राउंड लेवल पे काम किया जा रहा है, ग्राउंड लेवल पे काम किया जा रहा है जी। फिर कांग्रेस से लाके बीजेपी में क्यों टिकट दिए जा रहे हैं? ये तो हाईकमान का फैसला है, हाईकमान की कुछ राजनीतिक मामले होते हैं उसमें, हाईकमान जो भी फैसला लेता है। चूंकि चूंकि ऐसा कांग्रेस में भी हो रहा है और भाजपा में भी हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस से भाजपा में आ रहे हैं। देखिए एक सवाल और है कि एक तरफ जाटों का वोट आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्यों एक कितना परसेंट हम मान ले कि जाटों का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कुछ परसेंटेज दीजिए। मंगलौर में 80-90% भारतीय जनता पार्टी को जाए, 80-90%, 80-90%, बाकी का 10% और भी कैंडिडेट हैं, आम आदमी के भी खड़े हैं और भी लोग हैं और भी जा सकते हैं कहीं। फिर आपने आम आदमी की पार्टी की बात की तो फिर उसकी बात करनी तो बनती है। देखिए आम आदमी पार्टी के नवनीत गुड्डू भैया बड़े नाम से चर्चित हो रहे हैं आजकल, तो उनकी भी पकड़ अच्छी बनती जा रही है फिर ऐसे में? देखिए देखिए तो लोकतंत्र है और इसमें सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो भी लड़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है, वो भी बिरादरी के हैं तो उन्हें वोट तो निश्चित रूप से 2-4-5% मिलेगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रचंड बहुमत से जीत किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, पूरा दावा है आपका 100%। आइए मंडल अध्यक्ष जी से बात करते हैं जी। सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल, मंडल अध्यक्ष से बात करना मेरा सबसे बड़ा सवाल शुरुआत में ही होगा, कांग्रेसीकरण क्यों हो रहा है, ये शब्द क्यों आ गया भाजपा में? देखिए पार्टी का जो निर्णय होता है वो सामान्य होता है। पार्टी ऐसा निर्णय क्यों ले रही है कि कांग्रेस के नेता को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है? देखो पार्टी ने कुछ बेहतर मानना होगा, इसी वजह से तो पार्टी। देसा जी बेहतर नहीं थे? नहीं मैं ये नहीं कह सकता वो बेहतर। देसा जी का एक बयान आया था अभी कुछ ही देर पहले कि राजपाल जी धूले हैं हम बराती है, इससे क्या मतलब? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दे दिया वो धूला ही होता है, ये वास्तविक है और ये पार्टी का एक प्रक्रिया है कि कभी हम चुनाव लड़ते हैं और तो कभी हम लड़ाते हैं। तो जैसे भी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, लड़ने की देगी तो लड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ते हैं, लड़ाते हैं। बयान बदल रहे हैं, देखिए बयान नहीं बदल रहे हैं कुल मिला के बात। देसा जी तो बयान देते हैं कि उन्हें तो टिकट देने वाली थी, उनकी धर्म पत्नी को टिकट होने वाला था, अब क्यों नहीं हुआ वो भी नहीं जानते, ऐसा क्या फैसला हो गया? तो वहीं बड़े बड़े नेता उनके समर्थक, मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा, देशराज करणवाल जी के समर्थक का बड़ा बयान आया था कि निशंक जी टिकट बेच रहे हैं, तो ये कैसी बातें हैं? ये ऐसा नहीं है, देखो जो पार्टी का निर्णय होता है हर कार्यकर्ता को मान्य होता है। तो कार्यकर्ता ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए ये उनका व्यक्तिगत मामला है, वो किस वजह से बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन मेरा में ये मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी जिम्मेदारी पार्टी देती है। अब झबरेड़ा में भारतीय जनता पार्टी कैसे विश्वास दिलाएगी जनता को, क्योंकि सिटिंग MLA का टिकट काटना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लंबी कतार में समर्थक जुड़े होते हैं। देखिए जनता कमल का फूल खिलाती है और कमल के फूल पर ही विश्वास करती है, और जनता ने अगर ठाना है कि कमल का फूल खिलाना है तो प्रत्याशी कोई भी हो जनता उसे जिताएगी। देशराज जी परसों तक दुख मना रहे थे टिकट कटने का, आज पूरे खुश थे, ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई गई भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि तेवर ही बदल गए? क्योंकि देखिए 2017 से लेके अब तक एक बात देखी गई है, जिनको टिकट नहीं दिया जाता उन्हें पद दिया जाता है पार्टी में, तो क्या कोई पद मिलने वाला है? देखिए पार्टी कहीं ना कहीं अगर टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं सम्मान देगी, पद देगी, कुछ ना कुछ तो सम्मान देगी, पद मिलने वाला है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, और सम्मान के साथ ही सब कार्यकर्ताओं को पार्टी में रखा जाता है। मंडल अध्यक्ष जी राजपाल सिंह जी के साथ है? देखिए मैं पहली बात तो मैं बता दूं, उनके साथ है, मैं बता दूं क्योंकि मैं मंडल अध्यक्ष मंगलोर ग्रामीण का हूं, झबरेड़ा का नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी की बात है, देखिए अभी नरेश बंसल जी बयान देखे गए हैं, सभी कार्यकर्ता है, कोई सी विधानसभा हो सब एक है, तो अब ये बताइए राजपाल सिंह जी के साथ है या नहीं? बिल्कुल राजपाल जी के साथ है, जिसे भी पार्टी ने प्रत्याशी बना लिया पूरा संगठन उसकी साथ खड़ा, मजबूती के साथ खड़ा, और कमल के फूल के जिताने के लिए हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उनके साथ खड़ा है। एक सवाल और,
क्या वैजयंती माला जी की नौकरी भारतीय जनता पार्टी वापस देगी या नहीं? देखिए ये तो सरकार का निर्णय है, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। उनका कहना है कि रिजाइन भी तो सरकार नहीं कराया। नहीं, रिजाइन सरकार ने करा तो ऐसी बात नहीं, उन्हें वापसी भी ले सरकार ही लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता हैं, वो नौकरी मिलेगी ये नहीं मैं कह सकता, ये तो सरकार बताएगी सरकार क्या निर्णय लेती है। लेकिन सरकार जो निर्णय लेगी वो कार्यकर्ता के हित में ही लेगी, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर कार्यकर्ता की चिंता करती है। ऐसा कौन सा हित हो गया था कि कांग्रेस से हारे हुए एमएलए को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया? देखिए कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने जो भी माना होगा वो अच्छा ही माना होगा, जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और मजबूती के साथ खड़ा है। चलिए मंगलोर की ओर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो डिसीजन ले लिया, हम मंगलोर की ओर आके बात करते हैं। एक तरफ काजी निजामुद्दीन का बयान आता है कि इस बार जो टक्कर है वो हाजी के साथ नहीं है, उनकी दिनेश पवार जी के साथ है। जी ये वास्तविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2022 का चुनाव मंगलोर विधानसभा से जीतने जा रही है। जीतने तो जा रही है, लेकिन टक्कर में कौन है उनका? तो देखिए दिनेश पवार जी है, आपकी टक्कर में कौन है, काजी या हाजी? देखिए हमारी टक्कर में कोई नहीं, हमारी जो लड़ाई प्रथम स्थान के लिए है और प्रथम स्थान के लिए हमारी लड़ाई, हमारे एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साथ खड़ा है और हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है कि दिनेश पवार जी को पहले स्थान पर पहुंचाना यानी जिताना। पहले स्थान पे पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर किसी चीज को ठान लेता है, किसी लक्ष्य को ठान लेता है, तो वो निश्चित ही उसे प्राप्त करके ही दम लेता है। राजपाल जी कौन से स्थान पे पहुंचने वाले हैं? राजपाल जी प्रथम स्थान पर आएंगे और हम दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं, मंगलोर भी। सिर्फ दो? नहीं दो नहीं, मतलब दोनों सीटें, आपने दोनों की बात की, दोनों सीटें जीत रहे हैं। इस बार कितनी सीटें आ रही है 11 हरिद्वार जनपद में से? 11 में से भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार जिले में 11 की 11 सीटें जीतने जा रही है और हमारे कार्यकर्ता एकजुटता से जो चुनाव में लगे हुए हैं और निश्चित ही हम 11 की 11 सीटें इस हरिद्वार की जीतेंगे। मंगलोर मंडल अध्यक्ष होने के नाते क्या संदेश होगा? मेरा संदेश यही होगा कि ये क्षेत्र हमेशा विकास से वंचित रहा है, यहाँ के विधायक राजस्थान की चिंता करते हैं, यहाँ के क्षेत्र की चिंता नहीं करते। यहाँ के क्षेत्र की चिंता करने के लिए हमें दिनेश सिंह पवार जैसे ईमानदार पढ़े लिखे प्रत्याशी की जरूरत थी, जो पार्टी ने पूरा किया है। बहुत अच्छा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने मंगलोर विधानसभा में दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पे हमने नेताओं से बात की और जानकारी भी ली कि किसकी जीत होनी है मंगलोर में, किसकी हाथ होनी है। देखिए चुनावी बिगुल तो बज चुका है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि राजनीति में क्या मोड़ होगा और किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। 10 मार्च को सबके सामने आ जाना है कि जनता का प्यार कौन है। लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।